भारत देश में भी कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1149 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश भर में अब तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमितों में से 2,546 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि देश में महामारी के अभी भी 14,175 मामले सक्रिय हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह फोनलाइन पर मौजूद है। जी प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? देश भर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, कोरोना के ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब 17,265 के आंकड़े पे पहुंच चुका है। हालांकि 24 घंटे में जो लोग मरे हैं कोरोना की वजह से, 24 ऐसे लोग हैं जो जिनकी मौत हुई है। 543 अब तक देश में मरने वालों का आंकड़ा बरकरार है, लेकिन ऐसे में ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा है। 2,000 से ऊपर करीबन 2,500 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना पेशेंट्स। और राहत की बात यह है कि अब जो असेंशियल जो जरूरी के काम थे उसके साथ साथ कुछ और जो काम थे जो नॉन असेंशियल थे वो आज से शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि काफी कुछ जो जिस तरीके से केरला ने ये कहा था कि बसेस भी शुरू हो जाएंगी या टू व्हीलर्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसको लेके एमईए ने एक नोटिस जारी किया है। ये कहा है कि राज्य में इस तरीके से ज्यादा जो है लोगों का आवागमन ना हो उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन जरूरी के जो काम है वो शुरू हो रहे हैं। इसी तरीके से आज लोकसभा और राज्यसभा में सचिवालय का काम शुरू कर दिया गया ताकि सरकारों का काम आने वाले संसद सत्र में किसी तरीके से बाधित ना हो। किस प्रकार के निर्देश उनको दिए गए हैं? जो कार्यालयों में पहुंचेंगे कर्मचारी किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या गाइडलाइन जारी करी है उनके लिए? देखिए, उनकी तरफ से ये निर्देश है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो जरूर कार्यालय में पहुंचे, लेकिन अभी भी काफी जो जूनियर स्टाफ है वो नहीं आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम के लिए उनको कहा गया। इसके साथ ही जो आप जो एक गैप मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उसके जरूर निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय में अभी भी बायोमेट्रिक की जो सुविधा थी वो शुरू नहीं की गई है, अटेंडेंस ऑनलाइन ही ली जाएगी। इसके साथ में ही ये कहा गया है कि मास्क जरूरी है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश भर में जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको ये कहा गया है कि मास्क जरूर लगाया जाए। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, इनको देखते हुए तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी देश में किस प्रकार से मॉडिफाइड लॉकडाउन की तैयारियां चल रही है, किस प्रकार से देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है।